गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली लव्स निका। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो आज मैं आपके साथ मैं एक डे इन माय लाइफ शूट करने वाली हूँ। सो यस, आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड। तो आज मैं किसी का मेकअप शूट है, मेकअप बुकिंग्स है, तो आज मैं उनका मेकअप करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं रखूँगी, सब कुछ शो करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, आई नो, क्योंकि यहाँ मैं बालकनी में खड़ी हूँ, एज यू कैन सी, पता ही लग रहा होगा आपको। सो अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा मेकअप करा, मेकअप भी नहीं करा, जस्ट क्या करा, अपनी आईब्रोज को फिल करा, क्योंकि मेरे को मेरी आईब्रोज सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो जस्ट मैंने अपने आईब्रोज को थोड़ा सा फिल करा है। अब मैं जा रही हूँ अंदर थोड़ी मेकअप को ठीक करने, मतलब जो जिसका मैं मेकअप करने वाली हूँ वो भी दिखाऊंगी मैं, और जो लड़की मेकअप के बाद कैसी दिखेगी वो भी दिखाऊंगी। सो आई एम मेकअप आर्टिस्ट, सो मेकअप की बुकिंग्स है आज। तो आज मैंने सोचा, और मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग होगा इस चैनल का, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अच्छा नहीं भी लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो भी लाइक कर देना। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो फाइनली मैं अपने रूम के अंदर आ गई हूँ। तो ऑन वेन्यू आज बुकिंग नहीं है, मतलब मेरे, मतलब ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रख रखा है। मतलब यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट है वो बैठेगा, और आगे मेकअप को दिखाती हूँ। सब आप देख सकते हैं, एक्चुअली वो फोटोग्राफी शूट है, ऐसा कोई ब्राइडल लुक शूट नहीं है, जस्ट फोटोग्राफर वाला शूट होता है। इससे पहले वाला मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ, तो मैंने ये सारे सामान यूज करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके, वैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ। चलो मेरा मेकअप का सामान है, तो मैंने सोचा, तो पहले वहाँ पे मैंने रख रखा है ग्लिटर्स, देन वहाँ पे मैंने लिखा है आई शेडो, देन अगेन वहाँ पे आई शेडोज है, एंड देन यहाँ पे मेरे कुछ कम्पैक्ट है, लाइक मतलब सारा जो मेकअप का एसेंशियल होता है ना, एज यू कैन सी। और अगर आपको मेकअप बुकिंग्स की करानी हो मुझसे तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके मुझे DM कर सकते हैं, देन यू कैन कॉल मी फॉर मेकअप बुकिंग्स। So yeah, this is the makeup product which I'm going to use. This is Olivia pan stick. Basically, these are the correctors which I use, and these are the lashes. And then ये makeup, ये high coverage foundation है, ये है क्या ये? बहुत सारे लोग मुझसे मेकअप कलेक्शन पूछते हैं। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा टोटल पूरा मेकअप कलेक्शन नहीं है, मतलब इससे भी बहुत ही ज़्यादा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, तो और ज़्यादा मेकअप है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं वैसे इतना कलेक्शन है, इससे ट्रिपल है बस। मैं शो ऑफ नहीं करी, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मेकअप की जरूरत पड़ती होगी। देन यू कैन सी दीज आर दी ग्लिटर्स, दीज आर सो नाइस ग्लिटर, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, इतने ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ना, मतलब इतने ज़्यादा पिगमेंटेड ग्लिटर है, कैन यू सी। सो यहाँ पे फिर मेरे सारे मैट शिमरी आई शेडो, बेसिकली सारे शिमरी आई शेडो है, सारे मैट आई शेडोज है, देन ये मेरा फेवरेट ब्लश है लाइक, एंड देन मेरा ये स्पंज है, वेलवेट स्पंज, कितनी क्यूट सा उसमें रख रखा है कंटेनर में, आप देख सकते हैं। देन ये लैक्मे का ऑल इन वन पैनकेक, आई हार्डली यूज दिस इन दिस, छोटू सा क्यूट सा मिस रोज का ग्लिटर है। तो अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा सब कुछ, और ब्लॉग बोरिंग नहीं करूँगी। तो यस, ये ग्लिटर है, देन अगेन यहाँ पे मेरी फेवरेट पैलेट है, लाइक इतने ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैं हैंड से ज़्यादा स्विच नहीं करती क्योंकि मुझे सब पे यूज़ करने होते हैं। सो यस, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली अभी मुझे खुद भी नहीं पता मुझे इनका कैसा मेकअप करना है, बेसिकली उन्होंने सीधा मुझे बोला कि हाँ मेकअप कराना है, सो दैट्स व्हाई। एंड देन वहाँ पे मेरा ग्लिटरी आई शेडो, एंड देन टोनर, कॉटन पैड्स है। सो यस, सो अभी वो आएंगी, आएगी वो कब आएगी, हाँ 1:30 हो गया, मुझे कॉल कर लेना चाहिए। सो अब मैं जा रही, ओह सॉरी, तो अब मैं जा रही हूँ कॉल करने, तो मैं कॉल करके बात करती हूँ। और मैं पूरी वीडियो शूट नहीं करने वाली हूँ उनकी मेकअप की, हाँ मैं करूँगी शूट, लेकिन बहुत कम, आधी थोड़ी सी शूट करूँगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में बस थोड़ी छोटी मोटी क्लिप्स डालूँगी, पूरी नहीं डालूँगी, हाँ मैं आफ्टर बिफोर ज़रूर डाल दूँगी। सो यस, मेरी आईब्रोज थोड़ी सी हार्श लग रही है, एक तो यार लाइक मुझे ना टू बी ट्रू वेरी थिन आईब्रोज पसंद है, थिक ना चिंचन जैसी लगने लग जाती है। सो मैं उनको कॉल करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने फाइनली बात कर लिया, वो कह रही है 1 घंटा और लगेगा। सो यस, उनको 1 घंटा और लगेगा, तब तक
मतलब वो उनको नहीं, वो मेरी एज के सब घंटा, उनको क्या बोल रही हूँ, जिसको एक घंटा और लगेगा तो तब तक मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ. चाय इज लव लिटरली. अब मैं जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हूँ तो मैं चाय पीती हूँ. चाय जिंदगी, मतलब जो लोग चाय नहीं पीते उनको क्या पीते यार, मतलब चाय इज जिंदगी लाइक सीरियसली. तो अभी हम चलते हैं चाय बनाने. और ना ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, पता है मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरा चैनल है लवली इन साइकिल वो हैक हो चुका है, जिसमें मेरे 4.7 के सब्सक्राइबर्स थे. अफसोस, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है. मैंने तो बहुत मेहनत करी थी यार, स्टिल मैंने फिर से कंटिन्यू करा. लाइक मैं नहीं छोड़ सकती, मेरा पैशन है. सो यस, बेसिकली मैं यूट्यूबर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि जो मैं टैलेंट यहाँ पे कर रही हूँ वो आपको भी शो कर सकूँ. सो यस, तो अभी हम चलते हैं चाय बनाने, तो हम आपको भी लेके चल रही हूँ. मेरा छोटा सा व्लॉग है, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, 12-10. वैसे भी इस चैनल पे तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लाइक 25-30-40 ऐसे व्यूज़ आते हैं उस चैनल पे, ज़्यादा आते थे 2K 5K ऐसे व्यूज़ आते थे. सो यस, बहुत दुख की बात है यार, सोचो एकदम से आपके 2K व्यूज़ आ रहे हैं, 40 हो गए. कोई बात नहीं, हार नहीं मानना. सो अभी हम चलते हैं. एक तो मुझे ना मेरी आईब्रोज इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, मतलब यस, बट मुझे एकदम ऐसी आईब्रो पसंद है, मतलब जहाँ की भी बोलते ना ना पसंद पसंद वाली बात हो गई. सो अभी हम चलते हैं ऊपर. बेसिकली ये मेरा ड्राइंग रूम है और ऊपर मेरा किचन है एंड ये मेरी बहन है. सो अभी हम चलते हैं ऊपर चाय बनाने. सो अभी हम चाय बना रहे हैं तो पानी भरते हैं. एक तो यार गाइस मुझे व्लॉग बनाना सच में नहीं आता, तो इग्नोर करना. सो यस, यहाँ पे आज कढ़ी बनी हुई है खाने में. तो मेरा लगता है मेरा किचन एकदम मेसी रहता है ना, इसमें बना लेते हैं, इसमें खाने में इसमें. एक सेकेंड मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ. लेकिन तो अब हम कर रहे हैं गैस को ऑन एंड आप चाहिए दूध फ्रिज में से. सो यस, कैसे कैसे व्लॉग्स बना रही हूँ मैंने छोट. ओह माय गॉड, हमारे किचन में लाइक इतने कबूतर हैं ना, आप देख सकते हैं उड़ उड़ के जाते हैं. वो विंडो खुली हुई है तो बहुत परेशान. तो एक्चुअली मुझे दूध वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं दूध वाली चाय बना रही हूँ और पानी कम करूँगी क्योंकि मुझे पता लगा मेरे को ही पीनी है. तो मैं आपसे बना के बात करती हूँ. फाइनली मेरी चाय भी बन गई, बिन तेरे मुझसे नाराज़ दिल. लाइक चाय जिंदगी, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये रहा मेरा कप. ये कप, अरे इसमें तो दूध है, इसमें डाल दूंगी, कौन पानी वेस्ट करेगा, यू नो पानी बचाओ. सो यस, मेरे को उसका शूट करना था बट इट्स ओके. मतलब मेरे को ना स्लो बनानी थी चाय में कप डालते, मतलब चाय में कप में चाय डालते हुए. एक तो यार मैं ना कैसे बोलती हूँ, सो दिस इज़ माय फेवरेट कप जो कि मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, नो शो ऑफ. सो यस, एंड ये रही मेरी छन. मतलब ये थोड़ा आलतू फालतू सा ब्लॉग है लेकिन मुझे मज़ा आएगा इस ब्लॉग को बनाने में, मुझे ब्लॉग्स बनाने में बहुत मज़ा आता है. सो चाय मेरी गिर ना जाए ब्लॉग के चक्कर में. तो मुबारक हो गाइस, आज पहली बार मतलब मुझे एक कप चाय बनाने बोला और मैंने एक कप ही चाय बनाई एंड वहाँ पे थोड़ा मेस भी क्रिएट कर दिया है. लेकिन मुझे जब चाय बनाने बोलता है तो मेरे से गलती से 2-3 कप तो बनी जाती है. पहली बार मुझे अपने लिए बनानी थी और मेरे लिए अकेले लिए बनी एंड इसकी खुशबू मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. अगर आप भी चाय लवर हो तो हिट लाइक. वैसे आई नो मेरे व्लॉग ज़्यादा लोग नहीं देखते, मतलब बहुत ही कम लोग देखते हैं, लेकिन स्टिल चाय इज जिंदगी. तो अभी हम चल रहे हैं नीचे. एक सेकेंड में भूल गई कि मैंने गैस बंद करी कि नहीं, कर रही हूँ एक सेकेंड. सो गाइस मतलब मैं भूल गई थी कि मैं बार बार भूल जाती हूँ. पता है क्या होता है मेरे साथ, मेरा किचन ना ऊपर है मेरे रूम से, तो क्या होता है मेरे को लगता है मैं चाय भूल गई हूँ और ये होता है. सो मेरी ज़िंदगी, मैंने गैस बंद कर दी. देख हम देख हमेशा ऐसे होता है, मतलब मैंने चाय बनाई भी, ये चाय ब्लॉग हो जाएगा लॉल. लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बड़ा ना हो जाए ब्लॉग,
मैं छोटा कर दूंगी। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे, आई गेस 10-15 मिनट का तो हो गई है, ज़्यादा नहीं कर रही। अब मैं कॉल करती हूँ। सो यस, मेरे चाय टूर यहाँ से मेरा रूम स्टार्ट होता है। सो एज यू कैन सी मेरा बेड बड़ा गंदा हो रहा है अभी, एंड ये रहा मेरा मेकअप, एंड ये रहा मेरा मिरर, हाय ये मेरा ट्राइपॉड, और वहाँ पे मेरा कैमरा। सो यस गाइस, फाइनली मैंने बात नहीं करी क्योंकि कॉल था। सो अब मैं सोच रही हूँ कि ना मुझे कुछ काम था, मैं वीडियो एडिट करने वाली थी, मैंने जो आज सुबह वीडियो शूट बनाई थी वो आने वाली। आई डोंट नो ये व्लॉग कब आएगा। यस, और मैं अभी तक वेट ही कर रही हूँ, मेरी चाय भी ठंडी नहीं हुई। और हाँ, मेरे जो पहले वाला चैनल था ना, वैसे अगर आप मेरे पहले वाले चैनल के सब्सक्राइब, एक सेकंड यार, अगर आप मेरे पहले वाले चैनल के सब्सक्राइबर हो तो मुझे लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते थे ओवर एक्टिंग बहुत करती, वैसे किसी ने कमेंट नहीं करा। हाँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। अब मैं बता दूँ, अगर आप सोचते हो मैं बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ तो नहीं, मैं एकदम ऐसी हूँ, आप मुझसे मिलो। वैसे कोई मुझसे मिलता है तो मैं बहुत सीरियस रहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी हूँ। ओ यार, मेरे को ना मेरी आईब्रोज पसंद नहीं आ रही, मेरे को लग रहा है मुझे थोड़ी लिपस्टिक लगा लेना चाहिए तो मैं सुंदर दिखूँगी, सुंदर लड़के। तो मैं सोच रही थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ही लूँ, थोड़ा सा गेट रेडी विद मी फॉर शूट कर लेती हूँ, मान की कोई व्लॉग देखता नहीं है स्टिल। बेसिकली ना क्या हो गया, मेरे जो ट्राइपॉड है ना उसका रबड़ गिर गया, रबड़ गिर गया नीचे। सो मैं सोच रही हूँ, मैंने कुछ भी मेकअप नहीं कर रखा, जस्ट आईब्रोज फिल कर रही थी क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत कम है, बोले तो आती ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता था मेरे चैनल पे पहली बार आया तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लोरियल की लिपस्टिक लगा रही हूँ, इतनी मस्त लिपस्टिक है, मतलब बहुत, मैं जस्ट ये लिप टिंट की तरह ज़्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू लिपस्टिक। इसका मतलब जो लिपस्टिक छूटने के, मतलब इसका लिपस्टिक छूटने के बाद जो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, एकदम ही नेचुरल अपने लग जाता है। नो स्पॉन्सर, ऐसा गरीब यूट्यूबर को कोई स्पॉन्सर भी नहीं करता। एंड या अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा ना लगा ना तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ बताना, मैं और व्लॉग्स बनाऊँगी, मुझे व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है। मैं बनाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कोई देखता नहीं मुझे लगता। ओ यस, लेकिन कभी ना कभी कुछ सालों में तो कोई ना कोई तो देखेगा ही ना। सो यस यार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ एक्चुअली, मेरे एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए ना तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है करने के लिए। एंड यस, हाँ तो मैं बहुत, तो मैंने कोर्स करा था मेकअप का VLCC से, किसी ने मुझसे पूछा था तो यस कमेंट सेक्शन में पूछा था। एंड ये बहुत बोरिंग भी वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें मैं अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, कुछ कर ही नहीं रही, मुझे पता है। लेकिन यार मैं वेट करूँ, ये मस्कारा मेरा फेवरेट है, लाइक ये जस्ट थोड़ा सा लिप टिंट लगा लो ये मस्कारा बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे मेकअप में। मतलब जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो यही करती हूँ और कुछ नहीं करती। अभी तो मैं फ़ोटोशूट है, वो मुझे पता लगा कि ब्लैक गाउन में होने वाला है तो मैं कुछ ब्लैक स्मोकी आइज करने वाली हूँ, गोल्डन आइज, आई डोंट नो। एंड हाँ, मुझे मैं दो लोगों का और मेकअप करूँगी, मुझे अभी और पता चला। तो यस, ये मैंने जो कम्पैक्ट इसमें यूज़ करने वाली वो है नंबर 7 का। सो ये एक USA कंपनी है जिससे मैं शूट करने वाली हूँ। यस, छोड़ो उसको, ये सब हटाओ, मैं चाय पी के आती हूँ क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी। वैसे मैं नॉर्मल पीती हूँ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, मतलब एकदम गर्म भी नहीं ना ज़्यादा ठंडी। ये ब्लॉग बहुत फालतू भी हो सकता है, आई नो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई देखे ना, सच में ना देखे। और मैंने ये गैप के कपड़े पहन रखे, जैसे सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मैंने ये शीन के कपड़े पहन रखे। हाँ, मैंने नेकलेस इंस्टाग्राम से उसे परचेज करा था। सो मैंने भी अभी गैप की हुडी पहन रखी है, मेरी फेवरेट हुडी है। एक तो बेस्ट पार्ट इस हुडी में क्या है, ये मेरा फेवरेट कलर है, फेवरेट नहीं है बट हाँ मेरे पे अच्छी लगती है थोड़ी थोड़ी। और दूसरी बात ये है कि ये जो मेरी गैप की हुडी है ना, गंदी नहीं होती, हाँ वाइट नहीं है। एंड नीचे मैंने सस्ता वाला पॉलका डॉट वाला पजामा मैंने, बट आई लिटरली लव पजामा, लाइक पजामा तो मैं कभी मिस ही नहीं कर सकती। मतलब आप मुझे कभी बाहर भी देखोगे ना तो देखोगे आप मैं पजामा में, आई कैन नॉट वेयर जीन्स, मतलब मैं उसी चीज़ में रहती हूँ जो मुझे कम्फर्टेबल लगे, मुझे जीन्स 1% भी कम्फर्टेबल नहीं लगती। तो मैं कहीं भी बाहर कितनी भी बाहर जाऊँ मैं हमेशा आपको पजामे ही में ही देखूँगी, या फिर प्लाजो बोल सकते हैं,
मैं वही पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, और ऊपर का हाँ थोड़ा सज धज के मिलूंगी कि नीचे तो मैं वही पहनती हूँ, और ऊपर भी मैं हुडी वुडी पहनती हूँ। सो यस, दीज पजामा इज लव ऑफ माई लाइफ, कैन यू सी। और जिनका मैं मेकअप करने वाली हूँ वो क्या सोचेंगे, बट कोई बात नहीं, पहनते तो सभी पजामा है, पता तक कोई नहीं है। तो यस, अब मिलते हैं आपसे जब वो आएगी मुझसे मेकअप कराने, तब तक के लिए बाय बाय। मैं शायद ये व्लॉग को इतना ही बनाए रखूँ, हाँ मैं शायद इतना ही ब्लॉग को बनाए रखूँ या फिर आगे कंटिन्यू करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो ना, अगर मैं शायद कंटिन्यू ना करूँ, वैसे पता लग जाएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी व्लॉग्स चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय 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 गाइस। फाइनली शूट सब कुछ ख़त्म हो गया है, एंड आई एम लिटरली सो टायर्ड, मतलब अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, एंड मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। एंड इस ब्लॉग को इसी तरह से एंड करते हैं, एंड मैं वो फ़ोटोज़ जो ली है ना, मैं आपको डाल दूँगी इस वीडियो के बाद, ये आफ्टर बिफोर वाला, और आई गेस मैं पूरी वीडियो डालूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। सो आपसे मिलते हैं बाद में, अभी मैं बहुत थक गई हूँ।